हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटिवेशंस कितने तरह के होते हैं। मेन मेन मोटिवेशन सिर्फ तीन तरह के होते हैं, ए, बी और सी। ए मोटिवेशन, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े महल में एक पार्टी हो रही होती है। उसी पार्टी में एक तालाब होता है, जिस तालाब में मगरमच्छ होते हैं। पार्टी करने वाला आदमी वहां आए हुए सभी लोगों से कहता है कि जो इंसान इस तालाब को, मगरमच्छ से भरे हुए तालाब को पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे आएगा, उसे मैं अपनी सारी जायदाद और अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा, उसे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। सभी लोग पैसे को देखकर लालच में आ गए। सभी लोग उस आदमी की बेटी से शादी करना चाहते थे, लेकिन जो शर्त थी वो बहुत भारी शर्त थी। तभी एक लड़का तालाब को पार करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे आ जाता है। वो आदमी बहुत खुश होता है। वो आदमी उसे अपनी जायदाद देना चाहता है, अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। आप लोगों की तरह वो भी ये जानने के लिए कि उसमें ये मोटिवेशन कहाँ से आई, उसने ये तालाब को पार करने की हिम्मत कैसे लाई। वो आदमी उस लड़के से पूछता है कि तुम में ये हिम्मत कैसे आई। वो लड़का कहता है, मुझ में कोई हिम्मत नहीं है, मुझे तो किसी ने धक्का दिया था, मुझे तो किसी ने धक्का दिया था, और अपनी जान को बचाने के लिए मैं एक किनारे से दूसरे किनारे आ गया। दोस्तों, ये होती है मोटिवेशन। धक्का मोटिवेशन ए में आती है। जब कोई हमें धक्का देता है, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त हमें धक्का देते हैं कोई काम करने के लिए, तो उसे कहते हैं धक्का मोटिवेशन। दूसरी मोटिवेशन, ये बहुत से लोग कर रहे हैं। एक आदमी के पास एक गधा था और वो आदमी बहुत कंजूस था। वो उस गधे से काम करवाने के लिए सारी रात भूखा रखता था और सुबह होते ही उसके सर के ऊपर से डंडे से कुछ घास बांधकर उसके चेहरे के बिल्कुल आगे रख देता था। वो डंडा पकड़कर खुद पीछे खड़ा रहता था और गधे को सिर्फ वो घास दिखाई देती थी। घास को खाने के लिए जैसे ही वो गधा दो चार कदम आगे बढ़ाता, वो घास अपने आप और आगे बढ़ जाती। आदमी एक रेडी पर खड़ा था और वो रेडी उस गधे से बंधी हुई थी। इससे गधा जैसे जैसे घास खाने के लिए आगे चलता, घास और आगे हो जाती, वो रेडी भी चलती रहती। और इससे सारा दिन वो आदमी, वो लालची आदमी गधे से काम करवाता रहता और वो गधा उस घास को खाने के लालच में आगे बढ़ता रहता। ये होती है मोटिवेशन बी, जिससे हमें थोड़ा सा कुछ खाने को मिलता है, कुछ हासिल होता है और उसी के लिए हम आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और जो सी वाली मोटिवेशन है, वो सबसे महान मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन आपके दिल से आती है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी, कोई गुरु कह लो, चाहे कोई महान इंसान कह लो, आपको इतना मोटिवेट नहीं कर सकते जितना मोटिवेट आपको खुद आप अपने आप को करते हो। कोई आपको धक्का दे सकता है, कोई आपको लालच दे सकता है, लेकिन जो मोटिवेशन आपके दिल से आती है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आपके दिल की मोटिवेशन मैं आपको नहीं दे सकता, सिर्फ उसका रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मोटिवेशन तो आपको
खुद अपने अंदर लेकर आनी है, खुद उसे हासिल करना है। और ये कैसे करना है ये आप खुद से पूछें। ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना थके, बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए, बिना रातों को सोए कर सकते हैं? क्या है कोई ऐसा काम? अगर है तो उस काम को करिए। आप उस काम को अपने आप कर देंगे, वो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगी। ये मोटिवेशन आपको जो आपके दिल से आई है, इसका मुकाबला कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कर पाएगा। तो अपने अंदर देखिए, आपके अंदर क्या है, आपकी क्या ताकत है, आप क्या कर सकते हैं। तो ये थी 3 मोटिवेशंस। ए, धक्का मोटिवेशन, जो आपको लोग धक्का देके करवाते हैं। बी मोटिवेशन, जो लोग आपसे आपको लालच देकर करवाते हैं। और सी वाली मोटिवेशन, जो सबसे कारीगर है, वो है जो आपके दिल से आती है। और ये मोटिवेशन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। ये मोटिवेशन आपको आपके खुद के अलावा और कोई नहीं आपको दे सकता है। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपने इससे कुछ हासिल किया है। धन्यवाद दोस्तों।